किसी भी शिष्य के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है अपने हुनर से गुरु को खुश कर देना। आज सुमित राघवन भी यही परीक्षा दे रहा है। उसके गुरु सुरेश जी सामने हैं, जनता की कसौटी भी है, और सुमित ने चुना है शंकर महादेवन की गाई हुई बहुत ही मुश्किल गणेश वंदना को। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वर्सटाइल सुमित का। सुमित, हाँ जी, एक साथ तीन तीन कसौटियों का सामना करना है, कर पाओगे? सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल कसौटी है गुरुजी के सामने गाना। वैसे कभी मौका मिला नहीं है, और इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है कि मेरे गुरु के सामने मुझे गाने का मतलब मौका मिल रहा है। मैं अभी कांप रहा हूँ, तो पता नहीं, शायद मैं यहाँ बिना देखे ही ऐसे ही गाऊंगा। मैं मुझे देखना ही नहीं है वहां पर। अरे घबराओ मत, आई एम श्योर गुरुजी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है सुमित। सुमित के संघर्ष में उनकी पत्नी चिन्मय भी उनका बराबर का साथ दे रही है। देखिए, सुमित के बारे में दो चीजें बहुत प्यारी है, वो है उसका एक तो डेडिकेशन और उसका डिवोशन। सुमित जिस तरीके से भक्ति करता है वो बहुत ही अलग तरीका है। उसने आज तक भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। गणपति बाप्पा जैसे हर महाराष्ट्रियन के फेवरेट देवता होते हैं, वैसे ही हम दोनों के भी हैं। जब भी हम लोग मंदिर में जाते हैं तब इट्स काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग कि हम लोग भगवान को धन्यवाद करना चाहते हैं जो भी उन्होंने हमें दिया है। उसके लिए रिजल्ट के लिए मैं भगवान से कोई प्रार्थना करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि बस उसको उतनी शक्ति मिले, उसकी जो पूर्ति है वो बस बनी रहे, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय गणेशाय
चंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। बहुत बढ़िया सुमित, इतना मैं कभी टेंस नहीं हुआ हूं। एक्चुअली मैं जब भी आपसे पूछती हूँ कि आप नर्वस हैं, आपने कभी नहीं बोला हाँ, आज पहली बार बिना पूछे आप खुद ही बोल रहे हैं। इस बार मेरे पैर भी देखो कांप रहे हैं, पता नहीं क्यों। गुरु बैठे हैं तो शिष्य का यही हाल होता है। अपने शिष्य का गाना सुनकर कैसा लगा गुरु जी? बहुत अच्छा लगा, और सुमित ने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया इस गाने को। थैंक यू मोना। थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि अंतरे में तुम अच्छा खुल गए थे, साइन थोड़ा सा तुम्हारे वर्ड्स पता नहीं चल रहे थे। ओके। चूंकि संस्कृत ज्यादा है इसमें तो उसका उच्चारण बहुत, जैसे कड़क स्त्री का कुर्ता होता है ना, वैसा आना चाहिए, वरना गाना बहुत अच्छा चुना गाया। हमेशा तुम्हारे साथ मेरा प्यार आशीर्वाद तो है ही, जल्दी से अभी साथ में गाने भी आया करो, प्रोग्रामों में जरूर बुलाया करूंगा तुमको। तो मुझे इस वक्त में भीमसेन जोशी जी याद आते हैं। HMU में मेरा गाना चल रहा था, धरेला वृथा छंद धरेला। तो जैसे अण्णा अंदर आए, मैंने मॉनिटर रूम में से देखा उनको, तो मैं एकदम चुप हो गया। मेरा ऐसे लगा सांप सूख गया मेरे को। तो मैंने खड़े साहब को कहा कि अभी रुक जाते हैं हम लोग। तो मैं अंदर गया, उनको पैरी पहना किया, तो बोलते हैं चलो माइक पे, मैं तो सुनने आया हूँ तुमको। मैं बोला हो गया फिर काम मेरा, क्योंकि आप आए हैं अंदर, इसलिए मैंने गाना बंद कर दिया। अभी आप अगर सुनने बैठ जाएंगे मेरे को तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि तुम जब भी माइक के सामने आ जाओ ना, तो किसी तानसेन से कम मत समझना अपने आप को। मगर बेटा एक बात और गांठ लगा के रखना, जो आदमी अपने खुद के गाने से डरता है ना, वो बहुत अच्छा गा जाता है। अलीशा, आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सुकून के साथ गाया। आई फेल्ट उन्होंने डिवोशनल मूड भी काफी अच्छा निभाया, और उनके सामने उनके गुरु खड़े हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। एक्चुअली मैं सुरेश जी के लिए एक कबीर का दोहा सुनाऊंगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो आपने सब कुछ इन्हीं से सीखा है, तो इन्हीं के सामने आपने आज गाया है, और मुझे लगा आपने अच्छा निभाया। अनु जी, सुमित, ये जो आपने आज गाना निभाया है, एक तो डिवोशनल एटमॉस्फेयर है इतना खूबसूरत, और आपने उसको निभाया, और आपने जो अभी बोला कि सुरेश जी हमारे गुरु सामने बैठे हो, तो द राइट वर्ड इज मेंटल ब्लॉक, हम कहते हैं उसको। मेंटल ब्लॉक हो जाता है इंसान को कि भाई मैं अपने गुरु के सामने क्या सुनाऊं, किस तरह सुनाऊं। और उन्होंने जो बातें आपसे कही हैं वो बहुत अच्छी बातें हैं, आपको सीख मिलती है। जैसे मानसी को बताया, आपको बताया, एक सच्चा गायक है तो वो बताएगा तो आपको समझ आता होगा कि क्या कहाँ कौन सी कमी। लेकिन मेरे गानों को कुछ ऐसी घबराहट नहीं हुई जो होनी चाहिए, कि बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुमने हर जगह जो थी उसको अच्छी पकड़ी, और उसको रेंज को, उसके उतार चढ़ाव को समझ कर तुमने गाया। सुमित, तुमने अच्छा गाया, इसमें कोई शक नहीं। सुमित, तुमने अच्छा गाया, इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ रियाज की वजह से हुआ है, ये सिर्फ लक नहीं। सुमित, आपका और सुरेश जी का रिश्ता बहुत ही पुराना है जी। आपने उनसे गाना भी सीखा जी। है, आज सिंगिंग कंपटीशन में उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं जी। तो इस मौके पे उनसे कुछ और कहना चाहेंगे? मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो
सुरेश जी क्या आप प्लीज स्टेज पर आएंगे? एक शिष्य की तरफ से गुरु को एक छोटी सी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु पूजिताय गुरु देवताय गुरु साउथ इंडियन पोशाक है, ये वेष्टी है जिसे आमतौर पर लुंगी कहते हैं, लेकिन ये पूजा में पहनी जाती है और इस पर बदन पर ओढ़ने के लिए अंग वस्त्र है। तो ये आपके लिए सुरेश जी। सुमित अभी आपको अपनी जनता से वोट्स मांगने हैं तो प्लीज। सबसे पहले तो जनता का आभार मानूंगा कि कल के एपिसोड में आपने मुझे सेव किया, तो इसी तरह प्यार बरकरार रखिए। मुझे वोट करने के लिए टाइप कीजिए SUMEET और भेज दीजिए 57575 पर। बाकी सारी वोटिंग डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। थैंक यू थैंक यू सुमित।